सो फाइनली कल रात को झुंड देखा, सबसे पहले जो डायरेक्टर साहब है नागराज मंजुले जी, उनको बड़ा वाला सैल्यूट है, बड़ा वाला थैंक यू है ऐसी फिल्में करने के लिए। आई विश जितना हो सके उतना ज्यादा जल्दी मैं आपसे मिलूं, आपके साथ कभी काम करने का मौका मिले, या फिर आप कभी हमारी गुजरात इंडस्ट्री में फिल्म्स बनाए, या फिर आप मेरी कोई फिल्म डायरेक्ट करें। मेरे ड्रीम लिस्ट में एक और ड्रीम ऐड हो चुका है। मैं बहुत सालों से आपका बड़ा वाला फैन हूं, लेकिन अब आप मेरे लिए एक किताब की तरह बन चुकी हो, जिसमें से जितना ज्यादा सीखो उतना कम है। व्हाट अ डायरेक्शन। मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप दिल को छू लेने वाली कहानी देखना चाहते हैं ना, झुंड देख लो, डोंट मिस इट। कुछ डायरेक्टर्स या फिर स्टोरी टेलर्स जब कहानी सुनाते हैं तो हमको कभी कभी फील होता है कि जबरदस्ती हंसाने की या फिर रुलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी होती है। लेकिन ये जो भाई साहब है नागराज मंजुले जी, उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही है उनका यूनिक प्रेजेंटेशन। तीर ना सीधा यहाँ पर लगता है, मिस हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। अमिताभ बच्चन सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि सर आपने ये फिल्म की, ऐसी और फिल्मों की जरूरत है इंडस्ट्री को। अगर ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स ऐसी फिल्मों से जुड़ेंगे तो इंडस्ट्री का भी लेवल ऊपर आएगा, और परफॉर्मेंस की तो क्या ही बात करो, मतलब नो वर्ड्स। एक फिल्म के अंदर एक नहीं बहुत सारे किरदारों की कहानियां पैरेलल चलती है, और हर एक किरदार के अपने दुख दर्द है, प्रॉब्लम है, संघर्ष है, और उसके पीछे एक सीख है जो डायरेक्टर देना चाहता है उनकी कहानी के थ्रू। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं की गई है। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ मूवमेंट्स है, सिर्फ एक्सप्रेशन है, सिर्फ लुक है, फिर भी आप रो पड़ोगे। यही इस फिल्म की ब्यूटी है, कुछ भी थोपा नहीं गया है। जैसे कि हम आपको सिर्फ कहानी दिखा रहे हैं, अब आप अपने दिल और दिमाग से इसको फील करो, और यही मजा है यार। सिनेमेटोग्राफी माइंड ब्लोइंग, बैकग्राउंड स्कोर माइंड ब्लोइंग, राइटिंग डायलॉग्स वाव। फर्स्ट हाफ में बहुत सारे फनी मोमेंट्स है, भागदौड़ है, स्पेशली बाबू के जो डायलॉग्स है उसका स्टाइल है ना, बाबू, कार्तिक, डॉन, जेरी, भावना, इमरान और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है कि बहुत सारे कलाकारों का ये पहला एक्सपीरियंस हो या फिर पहली फिल्म हो, लेकिन आपको कहीं पर भी लगेगा नहीं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है डायरेक्टर का कि वो किस तरीके से इनको गाइड कर रहा है। एनीवे, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे डायरेक्टर्स को और ऐसी फिल्मों को ऑडियंस का साथ मिलना ही चाहिए, तब जाके ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बाहर आएगी और जो डिजर्विंग टैलेंट है वो आगे आएगा। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना, और हाँ, हमेशा की तरह ना, बिंदास बताना।